असुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव। AIMIM चीफ ने वीडियो शेयर कर लिखा, 9 साल में ऐसी चौथी घटना। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव हुआ है। घटना रविवार शाम करीब 5:30 पर हुई। तब ओवैसी जयपुर में थे। 36 अशोका रोड पर बने इस घर में काम करने वाले लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया है कि उपद्रवियों ने उनके घर पर पथराव फेंके और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। ओवैसी ने 2 वीडियो ट्विटर पर शेयर किए हैं। देर रात 1 बजे ओवैसी ने हमले के वीडियो ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे दिल्ली वाले घर पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद यह चौथी घटना है। इससे पहले जब मैं जयपुर से लौटा और मेरे घरेलू नौकर ने बताया कि बदमाशों के एक झुंड ने पथराव किया, जिससे खिड़कियां टूट गई। दिल्ली पुलिस को इन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। एक और वीडियो में उन्होंने लिखा, यह चिंताजनक है कि यह एक हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। मैंने पुलिस में शिकायत दी है और वे मेरे घर जांच करने पहुंच गए हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।